Hey, welcome to our channel. Is video me ajham WhatsApp kohak kr nasi kengi video pasand any per like share or subscribe kree. फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान रजा और आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करना बताऊंगा। तो इसको सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका डिवाइस रूटेड होना चाहिए और इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएँ। ओके, प्ले स्टोर में आने के बाद ऊपर सर्च बार नज़र आ रहा होगा आपको, वहाँ पर टाइप कीजिए डीबी कन्वर्टर। जैसे कि देख सकते हैं नीचे आ रहा है डीबी कन्वर्टर, तो उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, ये आपको फर्स्ट वाला जो आइकन नज़र आ रहा है ग्रीन, उस पर क्लिक कीजिए और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। क्योंकि मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। अभी आपको ज़रा डिटेल्स में बताऊंगा। इसे मिनिमाइज़ करते हैं और अपने फ़ाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पर फाइल मैनेजर में आने के बाद हम व्हाट्सएप डेटा व्हाट्सएप फोल्डर को खोजते हैं। व्हाट्सएप फोल्डर ये रहा दोस्तों, व्हाट्सएप फोल्डर हमारा। व्हाट्सएप को फोल्डर को ओपन करने के बाद हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। डेटाबेस, ओके, डेटाबेस में ये कुछ जो हमारे डेटा सेव है, जो हमने किसी के साथ चैट की थी वो हमारा डेटा सेव हुआ है यहाँ पर। बट इस पर सिक्योरिटी लगी हुई है, क्रिप्ट 8, देख सकते हैं आप msg store.db.crypt8, यानी कि क्रिप्ट 8 लगा हुआ है। मैं आपको आने वाले आगे एक वेबसाइट बताऊंगा जिसमें आपको ये फाइल को कॉपी करना है और वहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसे कॉपी करेंगे वो आपकी सारी की सारी हिस्ट्री बता देगा। बट इस पर सिक्योरिटी लगी हुई है, अगर इस तरह की सिक्योरिटी को आप उस वेबसाइट में पेस्ट करेंगे जाके और उसको सेलेक्ट करेंगे तो एरर दिखाएगा। तो इस सिक्योरिटी को ब्रेक किस तरह किया जाता है, अभी हमने जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड की है वो एप्लीकेशन इस सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए है। तो चलिए चलते हैं, अब जाते हैं हम सीधा डीबी कन्वर्टर जो हमने डाउनलोड किया था, और फर्स्ट ऑप्शन जो है कन्वर्ट क्रिप्ट 875, उस पर क्लिक करते हैं। अभी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो हमारे फाइल्स है क्रिप्ट उसको हटा देगा। ओके, क्योंकि मैंने ये पहले से ही कर रखा है, देख सकते हैं दोस्तों डेटाबेस। ये जो आपको नीचे से जो सेकेंड वाला नज़र आ रहा है उसको देखिए, msg store.db.crypt, सिर्फ क्रिप्ट है, 8 नहीं लगा हुआ है उस पर, यानी कि इसकी सिक्योरिटी ब्रेक हो चुकी है। अब क्या करते हैं, हम हमारा ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके URL में टाइप करते हैं recoverymessages.com। देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है recoverymessages.com, उस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर मैं ज़ूम करके दिखाऊंगा, यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी को ब्रेक किया था उस फाइल को सेलेक्ट करना है। SQLite क्लिक करते हैं और जाते हैं हम एंड्रॉइड सिस्टम में, फाइल मैनेजर में जाना होगा हमारे को। SQLite डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम, डॉक्यूमेंट में के जाने के बाद यहाँ से फाइल मैनेजर चूज़ कर लेते हैं हम और अब फिर से व्हाट्सएप ये रहा व्हाट्सएप डेटाबेस। और जो
हमने जिस फाइल को सिक्योरिटी ब्रिक की थी, जिस फाइल की हमने, उसको सेलेक्ट करना है। आपको पहले दिखाऊंगा जो क्रिप्टेड है उसको सेलेक्ट करके दिखाऊंगा। अगर हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो एरर दिखाएगा। तो पहले मैं कोई भी एक क्रिप्टेड वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो जिस पर सिक्योरिटी लगी हुई है, सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। अब क्या करना है, यहाँ पर मार्क करना है एक्सेप्टो पर और प्रोसेसर पर क्लिक करना होगा आपको। अब ये क्या करेगा, एरर दिखाएगा क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है क्रिप्टेड, देख सकते हैं आप एरर। ओके, अब इसे क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब जो हमने सिक्योरिटी ब्रेक की थी जिसकी, उसमें जाते हैं हम फाइल मैनेजर, व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के बाद डेटाबेस खोलना होगा आपको। ये रहा व्हाट्सएप डेटाबेस। अब यहाँ पर देखिए लास्ट से जो सेकेंड है, msgstore.db.crypt, उस पर क्लिक कीजिए। जिस सिक्योरिटी नहीं ही लगी हुई है, जिसकी सिक्योरिटी हमने ब्रेक की थी, वो फाइल सेलेक्ट करना है यहाँ पर। अब एक्सेप्टो एंड प्रोसेसर पर क्लिक कीजिए। अभी क्या करेगा, आपकी सारी की सारी जो चैटिंग हिस्ट्री है, जिसको आपने वीडियो भेजा था, इमेज भेजा था, वो सारी की सारी आपके सामने खुल के आ जाएगी, देख सकते हैं आप। थोड़ा इसके लिए टाइम लगेगा। ये प्रोसेसर हो रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। ओके, टन टन, देख सकते हैं सारी की सारी हिस्ट्री आपके सामने है। ये मेरा ग्रुप का था, जो मैंने मेरे ग्रुप से जो आए थे मुझे, देख सकते हैं 3G डेटा पैक, सारे के सारे मेरे ग्रुप से आए थे। इस तरह से हमने व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया है, ये देख सकते हैं। ये इमेजेस जो मुझे ग्रुप से आए थे, और ये वीडियो भी आएगा यहाँ से, और मैं डिटेल्स में नहीं दिखाऊंगा, कुछ प्राइवेट प्राइवेसी है मेरी। ओके, इस तरह से आप किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें और मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग।